उज्जैन जिले की तहसील महितपुर में कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनों के स्टॉपेज को फिर से शुरू करने के लिए स्टेशन मास्टर हरीश महावर को ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन क्षेत्रवासियों ने सौंपा है, साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखिए मृदुभाषी के लिए महितपुर से दीपक कुमार मीणा की ये रिपोर्ट। विगत एक वर्षों से कोरोना काल से जो ट्रेनों के स्टॉपेज रेल मंत्रालय ने और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये आह्वान हुआ था उसमें बंद किए गए थे कोरोना काल से ट्रेनों के स्टॉपेज, जिससे यहाँ की यात्रा के लिए यात्रियों को, ग्रामीण क्षेत्र के आम जनताओं को बहुत परेशानी हो रही है और आने जाने आवागमन के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही है, जिसके तहत हमने अभी एक आवेदन रेल मंत्रालय, जीएम साहब अपने जबलपुर और जीएम साहब बॉम्बे के लिए हमने एक आवेदन यहाँ के प्रबंधक, स्टेशन प्रबंधक को दिया है और उनसे मांग करी है कि जल्द से जल्द यहाँ गाड़ियों के स्टॉपेज पुनः जो बंद पड़े थे उन्हें पुनः प्रारंभ किया जाए। दूसरा, जो देहरादून वर्षों से चली आ रही है, जो हरिद्वार जाने के लिए यहाँ की गाड़ियों में जो सवारी बैठती थी उसके लिए भी शासन ने क्या है कि उसका रूट चेंज कर दिया है। जो रतलाम बाय नीमच होके चलाई जा रही है, जो राजस्थान पत्रिका को देखते हुए हमने भी एक आवेदन वो भी बनाया है जिसमें उस गाड़ी को निरंतर रतलाम नागदा बाय कोटा रूट पर पुनः चालू किया जाए और उसका भी स्टॉपेज किया जाए। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।